हाथरस कांड को लगभग एक हफ्ता बीत चुका है। करीब 123 मौतों के साथ इस हादसे ने सभी को दहला कर रख दिया था। इस भयानक घटना के बाद अब विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बाबा के साथ मंच वाला एक वीडियो खूब वायरल होने लगा। यही वजह है कि सपा इस मामले पर अब कुछ हद तक बैकफुट पर है। इतना खुलकर इस मुद्दे को नहीं उछाल रही जितना वो और मुद्दों को तुरंत लपक लेती है। और अब तो उल्टा बीजेपी नेता ही अखिलेश को घेरने में जुटे हैं। जी हाँ, सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को भगदड़ कांड पर घेरा है और कहा है कि वो खुद बाबा को भगवान मानने का ऐलान मंच से करते हैं। देखिए, घटना दुखद है। सरकार पीड़ितों के साथ है, जो दुखी है उनके साथ है। और जांच टीम गठित हो गई है, जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कोई दोषी बचेगा नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव की फोटो बाबा के साथ अभी वायरल हो रही है, क्या यह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या सही में वाकई में भक्त हैं? राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। गूगल पे जा करके आप देख लीजिएगा तो उन्होंने अपनी ही आईडी से उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने भी उनको भगवान की संज्ञा दिया है। अभी हाल ही में बलिया में अग्निवीर जो योजना थी उसके तहत एक युवा आत्महत्या कर लिया अग्निवीर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? उसमें डीएम ने जांच टीम गठित कर दी है और जांच टीम से जो रिपोर्ट आएगी वो आपको बता दी। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड के कुछ वक्त बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नारायण साकार हरि बाबा के साथ मंच शेयर करते हुए एक वीडियो खूब वायरल होने लगा था। ये वीडियो करीब 1 से 1.5 साल पुराना था। साथ ही अखिलेश ने बाबा के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया था। हाथरस मामले में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में कांग्रेस सबसे आगे है, जहां राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका मुआवजा बढ़ाए जाने की बात कह दी थी। राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूं, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी भी लिख डाली और फिर लोगों का मुआवजा बढ़ाए जाने की बात कही। यानी जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है, बीजेपी को घेर रही है, तो समाजवादी पार्टी पीछे है। और अब तो उल्टा ओम प्रकाश राजभर ने ही अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।